हेलो डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट आर्क फर्नेस के बारे में डिस्कस किए थे और इस वीडियो लेक्चर में हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट हीटिंग जो होती है वो हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाया गया है, सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि हम इसमें एक कंबशन चैम्बर लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कंबशन चैम्बर होता है। इस कंबशन चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड को एक फिक्स एयर गैप के साथ में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये जनरली इलेक्ट्रोड हम कार्बन इलेक्ट्रोड कार्बन या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली हम यहाँ पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। दो इलेक्ट्रोड को आपस में एयर गैप में रखकर फिक्स कर दिया जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड को सप्लाई यहाँ पर प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम सप्लाई प्रदान करते हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई की आवश्यकता होती है दोनों के बीच में आर्क पैदा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक स्टील सेल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्टील सेल विथ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, जो हमारा कंबशन चैम्बर होता है या स्टील सेल का होता है, स्टील सेल की तरह होता है, सिलेंड्रिकल की तरह होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इसमें प्रदान कर दी जाती है। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग से मतलब ये होता है कि इसका जो लेयर होती है, सरफेस लेयर जो होती है, उसको एक तरह से बैकअप या सेफ्टी के पर्पज़ पे रिफ्रैक्टरी लाइनिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि कंबशन चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एयर गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की स्टील मेटल को, या फिर हम ब्रास को, पीतल को, या हम ब्रॉन्ज को, या कॉपर को, विभिन्न प्रकार के धातुओं को पिघलाने के लिए, उनके शुद्ध रूप की प्राप्ति के लिए हम इस प्रकार के फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड को कुछ एयर गैप में फिक्स करके हम इनके क्रॉस में सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम सप्लाई से जोड़ते हैं। यहाँ पर हमको हाई वोल्टेज सप्लाई प्रदान करना होता है ताकि इन दोनों के बीच में आर्क पैदा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में आर्क के कारण हीट उत्पन्न होती है और इस हीट को रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। जहाँ पर हमें हीट प्राप्त करना होता है, वहाँ पर इस हीट को, इस प्रोड्यूस हीट को हम रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, इस फर्नेस में जनरली हम दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, इसमें हम तीन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है, इसमें हम सिर्फ दो ही इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है, ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए ही बनाया जाता है। इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम थ्री फेज सप्लाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस जो होता है, ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, तो और जैसा कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जिस प्रकार से हमने देखा था, डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम आर्क को इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में आर्क पैदा कर रहे थे, जिसके कारण मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। पर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर चार्ज के, इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में आर्क पैदा ना करके हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो विलोडन, स्टीयरिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है, स्टीयरिंग इसमें खुद से नहीं हो पाता है, यहाँ पर स्टीयरिंग के लिए, विलोडन के लिए यहाँ पर हमको मैकेनिकल ऑक्सीलेशन की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल ऑक्सीलेशन के द्वारा हम यहाँ पर विलोडन करते हैं, चार्ज को सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, सर्कुलेट करना, विलोडन करना, या स्टीयरिंग भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमको मैकेनिकल फोर्स के माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीलेशन उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीलेशन देते हैं, जिससे चार्ज विलोडित हो सके। ठीक है, चार्ज वहाँ पर सर्कुलेट हो सके ताकि हीट उसकी प्रॉपर तरीके से बनी रहे, प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली हीट मतलब प्रोवाइड होती रहे पूरे चार्ज में। तो कुछ इस प्रकार से इसमें विलोडन दिया जाता है, स्टीयरिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, और जो इसका सेप होता है, ये जनरली बेलना का आकार का होता है, बेलना आकार का ये होता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो फर्नेस होते हैं, इसकी, इनकी जो कैपेसिटी होती है, 0.25 टन से लेकर 3 टन की कैपेसिटी तक के ये डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है,
तो आपको यहाँ से ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि 0.25 टन से 3 टन इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। और इनमें इसका पावर फैक्टर की बात करें तो इसका पावर फैक्टर जो होता है ये 0.85 के आसपास इसका पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर 0.85 पे ये वर्क करता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम पीतल को मेल्ट करने के लिए या फिर हम कांसा को, ब्रॉन्ज को मेल्ट करने के लिए या फिर हम कॉपर को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यदि हम पीतल, ब्रास की बात हो रही है, यदि पीतल को मेल्ट करने के लिए यदि हम ऊर्जा व्यय की बात करें तो प्रति टन 275 किलोवाट आर एनर्जी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब 275 किलोवाट आर पर टन, एक टन के लिए 275 किलोवाट आर एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि हम कॉपर की बात करें, कॉपर को मेल्ट करने की बात करें तो एक टन के लिए 400 किलोवाट पर आर एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, पर टन आवश्यकता होती है 400 किलोवाट आर पर टन। एक टन कॉपर को मेल्ट करने के लिए 400 किलोवाट आर एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा, ये डायग्राम है, डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद में इसकी वर्किंग कि आप किस प्रकार से इसमें सप्लाई दिया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क पैदा हुई, आर्क रेडिएशन के माध्यम से चार्ज को ट्रांसफ़र की जाती है, चार्ज मेल्ट होता है और इसमें जो चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क पैदा ना होने के कारण ये खुद से विलोडित नहीं हो पाता है, विलोडित नहीं हो पाता है, स्टीयरिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पर हमको मैकेनिकल ऑसिलेशन देना होता है ताकि इसके चार्ज को सर्कुलेट किया जा सके, विलोडित किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करना है। फिर इसी का हम दूसरा डायग्राम देखें तो कुछ इसको इस प्रकार से भी आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो, जो जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, तो या दोनों भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर जैसा कि ये एक इलेक्ट्रोड दिखाया गया है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये दिखाया गया है और इनके बीच में यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होती है। आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, हाई वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जिससे इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और इस आर्क को ही हम इस चार्ज में ट्रांसफ़र कर देते हैं हीट के रूप में, ठीक है। और जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हीटिंग चैम्बर है या इसको कम्बशन चैम्बर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे कि बताया गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन स्टील और फेरस स्टील फ्रॉम स्क्रैप आयरन या आयरन ओर, ठीक है। तो स्क्रैप आयरन से या आयरन ओर से आप इसमें फेरस स्टील या कार्बन स्टील आदि को आप बना सकते हैं इनडायरेक्ट फर्नेस के द्वारा। फिर इसमें पिग आयरन, आयरन कार्बाइड को मेल्ट किया जाता है और उसको हाई क्वालिटी स्टील में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, यहाँ पर लाइम स्टोन इज यूज्ड एज अ फ्लक्स, फ्लक्स के रूप में हम यहाँ पर लाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हाई पावर इलेक्ट्रिक आर्क यूज्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड, तो हमको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क को पैदा करने के लिए हाई पावर इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है, हाई पावर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क को पैदा करके हम हीट को रेडिएशन के माध्यम से चार्ज में ट्रांसफ़र करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो हमारे ओर हैं या हमारे विभिन्न प्रकार का जो सब्सटेंस है या चार्ज है उसको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है, इसमें डायरेक्ट आर्क को चार्ज में ना स्थापित करके इनडायरेक्ट रूप से चार्ज आर्क को प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस कहते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क को पैदा करते हैं और इसके बाद इस आर्क को रेडिएशन के माध्यम से हम इसकी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग कहते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर होगा, ओके, थैंक यू।